आज ये माइंडफुलनेस क्लास जो है ये समर कैंप में किया जा रहा है, 9th age class में माइंडफुलनेस। बच्चे सभी माइंडफुलनेस के लिए आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और ये सारे बच्चे सब लोग अपनी जो सांसें ले रहे हैं उस पर भी ऑब्जर्व करेंगे, सांसें आ जा रही हैं और वेरी गुड। सारे बच्चे माइंडफुलनेस के लिए आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। पार्क में लेके चलेंगे वहां हैं और गर्मी का सीजन है तो कई पेड़ों पे फल भी लगे हुए हैं। वहाँ मोर की आवाज आ रही है, चिड़िया चहचहा रही है, तो इन सब चीजों की अनुभूत बच्चे करेंगे अपने अंदर। फिर मैं अभी बाद में पूछूंगा भी कि जो है जब वहाँ पार्क में गए क्या क्या तुमने देखा, तो बताना पड़ेगा। तो सभी बच्चे पार्क की अनुभूति कर रहे हैं अपने आप को और अपने माइंड को। चलो पानी पीने चलते हैं। अब बहुत पानी पी लिया, अब चलो वापस घर। अरे देखो इस कछुए को कितना धीमे चल रहा है, इससे तो मैं 10 गुना तेज चल सकता हूँ। मुझे मत बोलो ऐसा खरगोश, मेरी ऐसी चाल है हमेशा से। अपनी चाल बढ़ाओ। मैं तो तुम कछुए में मत जाओ, कछुए भी तुमसे कई चीजों में बहुत तेज है, क्यों ना दौड़ प्रतियोगिता हो जाए। ये कछुआ क्या जीतेगा खरगोश से? खरगोश ने बहुत सारे दौड़ प्रतियोगिता में पुरस्कार हासिल किए हैं, ये जरूर जीतेगा, कछुआ हार जाएगा। ठीक है ठीक, 2 दिन बाद यहीं पे होगी दौड़ प्रतियोगिता। ठीक है, तुम्हें जंगल का राउंड लगाना पड़ेगा, जो जीत जाएगा वो जीता। ये मैं मंजूर है। कछुए की रेस की थी जिसमें कछुआ जीता, बल्कि कछुए की तेज भी आवाज धीमी है और उसकी रफ्तार भी धीमी है, पर वो जीता क्योंकि खरगोश के आलसीपन के वजह से। वह अपने को बस ज्यादा चनाक मानता था, इसीलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी को भी अपने से छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। अरे अरे देखो कितने बेवकूफ हैं, घोड़ा खरीदा है तो उस पर बैठेंगे भी ना, घोड़ा खाली छोड़ रखा है। अरे रे रे कितने निर्दयी हैं, इस बेजुबान जानवर पे कितना निर्दय करते हैं ये लोग, इतनी कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। कितना निर्दयी पिता है, अपने बेटे को कड़ी धूप में रोड पे चला रहा है, ये नहीं कि खुद भी उतर जाए। लोग सही बोल रहे, चलो बेटे इसको घोड़े को खा के लेके चलते हैं। अब भागने छुपा करके भाग। अरे रे रे कितने पागल हैं, घोड़े को उठा के ही ले जा रहे हैं। हां बहुत है घोड़ा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अपना कर्म करो, लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। थैंक यू।